अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को फागवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। फागवाड़ा थाना पुलिस ने 36 घंटे में लूट की घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन व एक तमंचा व चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि फागवाड़ा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही मोहल्ला सराय निवासी आलम पुत्र असलम और फागवाड़ा थाना क्षेत्र के ही मोहल्ला छतरी वाला कुआ निवासी सुमित पुत्र छोटे को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर किस्म के चोर व लुटेरे हैं। उक्त दोनों आरोपियों ने 6 अक्टूबर को फागवाड़ा में एक युवक के साथ मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। वही हर्बल पार्क के पीछे से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए दोनों आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी व लूटा गया माल बेचने के बाद दोनों आरोपी पैसों को आपस में बंटवारा कर उन पैसों से अपने महंगे शौक पूरे करते हैं। फागवाड़ा पुलिस टीम ने पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की गई 5 बाइक सहित अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। ये थाना फागवाड़ा पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो लूट और चोरी की घटनाएं करते थे। कल शाम को चेकिंग के दौरान दो संदिग्धों को रोका गया तो वो रुके नहीं, अपनी गाड़ी को तेजी से बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे और तेजी से भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको हिरासत में लिया। पूछताछ उनसे की गई तो उनके द्वारा बताया गया ये लूट और चोरी की घटनाएं करते हैं। इन्होंने 6 तारीख को डिंगरपुर रोड से एक व्यक्ति से मोबाइल भी लूटा था। इसके अलावा ये बाइक चोरी भी करते हैं। इनका जो मॉडल अप्रेंडी है ये चोरी की बाइक प्रयोग करते हैं लूट की घटना कार्य करने में, ये मोबाइल लूटने का कार्य करते हैं। इससे पहले भी इनके ऊपर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों ही लड़के आलम और सुमित फागवाड़ा के रहने वाले हैं जिनकी उम्र 28-30 वर्ष है और ये कम पढ़े लिखे हैं, 7वीं-8वीं पास है और ये सब्जी बेचने और मजदूरी का काम करते हैं। अपने शौक पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को ये कार्य करते हैं। सर क्या इनके पास से कुल 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, साथ ही 2 लूटे हुए मोबाइल इनके द्वारा बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1 तमंचा 315 को और 1 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है और साथ ही 1 चाकू भी इनसे मिला। सर क्या इसमें इनके और भी सदस्य हैं या केवल ये 2 ही सदस्य काम करते थे? अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अगर साथ कोई अन्य व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है, तथा साथ ही दूसरे जनपदों में इनके द्वारा अगर कोई घटना कार्य की गई है तो उसके बारे में भी सूचना एकत्रित की जा रही है। ठीक है, थैंक यू।